हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और साथ में 8 बजे दो इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि हमारे करंट अफेयर के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सुबह के फिक्स जो है वो 5 बज चुके हैं और आज है दोस्तों 11 अगस्त। तो 11 अगस्त के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको रेफरल कोड BHU10 या फिर Bhuvnesh10 जो कि आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, आपको सभी एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। अगर आपको GK पढ़नी है तो आप SSC कैटेगरी के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जो है दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गोल सेलेक्ट करना है आपको। गोल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 12 या 24 महीने पे जाइए। नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, आज का पहला सवाल है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए वैक्सीन निर्माण सुविधा को मंजूरी दी है। आपको बताना है दोस्तों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि कोवैक्सीन के लिए है, कौन से राज्य में इसको बनाई जा रही है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों गुजरात। गुजरात को उनको अप्रूवल है दोस्तों जो कि मिल चुका है कि वहां पे भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो वहां पे अखिलेश्वर में बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव है जो कि हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे दोस्तों हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ही है जो कि एकमात्र कंपनी है जो कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, विजय रूपानी है जो कि अभी यहाँ पे CM है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 11 अगस्त को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के बारे में दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, CII के बारे में बात करेगा इस तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से काफी पहले एक तरीके से पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे काम करती है। 1895 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत है जो कि हुई थी, समझ गए मेरी बात। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ओके, अभी फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है नरेंद्रन करके है जो कि इसके प्रेसिडेंट है। क्या नाम है? नरेंद्रन, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो संबोधित किया गया है वो मोदी जी के द्वारा दोस्तों संबोधित किया गया है। ठीक है गाइस, और एक्चुअली के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल मेंबर है ना वो डायरेक्टली 9000 और इनडायरेक्टली 3 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पे संबोधित किया गया है। ओके गाइस, चलिए। संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया जो डैश में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है। तो एक नया दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सेटअप करने के लिए बोला गया है। और ये दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पे सेटअप करी जा रही है? ये आपके लद्दाख में सेटअप है जो कि करने के लिए बोला गया है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पार्लियामेंट ने पास किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 जो कि राज्यसभा के अंदर अप्रूवल मिल गया है। लोकसभा के अंदर दोस्तों उसको ऑलरेडी जो है ना वो अप्रूवल मिला हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा में तो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन राज्यसभा में इसको अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है। 750 करोड़ रुपए दोस्तों डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, जहां पे नियर बाय 2500 स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली के अंदर लद्दाख के लिए बहुत ही जरूरी था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना। ठीक है गाइस, चलिए। जीरो ब्रिज एक पुराना लकड़ी का पुल जो खबरों में है, निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर है? जीरो ब्रिज के बारे में आपको बताना है। जीरो ब्रिज के बारे में बात करें गाइस तो ये बहुत ही फेमस ब्रिज है रिसेंटली जो कि श्रीनगर के अंदर है। वुडन आर्च ब्रिज है दोस्तों जो कि काफी न्यूज के अंदर है। अभी जो अपने LG है ना वो यहाँ पे विजिट है जो कि करके आए थे। ठीक है गाइस, झेलम रिवर को देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है जो कि इसको माना जाता है, श्रीनगर के अंदर स्थित है। ओके, तो 1950 के टाइम पे इसको बख्शी गुलाम मोहम्मद के द्वारा कंस्ट्रक्ट है जो कि किया गया था। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने हाल ही में पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट की देश मासिक किस्त है जो कि जारी करी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दोस्तों कौन सी मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कि पोस्ट डिवैल्यूएशन डेफिनेशन की रिसेंटली रिलीज करी है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5th। ओके गाइस, तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है उसने 5th मंथली इंस्टॉलमेंट है
ओके, जो कि यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताया है। समझ गए मेरी बात? चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 8,971 करोड़ रुपीज जो कि स्टेट को दिए गए हैं, ठीक है गाइस, और टोटल 49,000 है जो कि अभी तक दिए जा चुके हैं, है ना। आर्टिकल 275 के माध्यम से राज्यों को दोस्तों पैसा दिया जाता है अगर उनके रेवेन्यू के अंदर कमी आ जाए तो, अगर उनके पैसों में कमी आ जाए तो, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट ओके डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के तहत आर्टिकल 275 के तहत ये पैसा है जो कि दिया जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दोस्तों ये बात जो कि बोली गई थी। कासरगोड गोपाल राव, जिनका 94 आयु में निधन हो गया, वह एक डैश अधिकारी थे, जल्दी बताइए। कासरगढ़ के बारे में बात करें गाइस, तो बहुत ही फेमस इंडियन नेवी के दोस्तों ऑफिसर थे जिनके रिसेंटली मृत्यु हो गई, रिसेंटली मृत्यु हुई, 1971 के दोस्तों वॉर के हीरो थे, महावीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। इंडिया पाकिस्तान के 1971 के अंदर दोस्तों इन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि इनकी रही थी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का कोष क्या है? आपको मालूम है दोस्तों कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, 60% से भी ज्यादा जो है ना वो ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं। अब इंटरनेशनल के अंदर दोस्तों प्राइसेस बढ़ गई है, एक तो इंटरनेशनल में प्राइसेस भी बढ़ गई, अमेरिका, ब्राजील, मलेशिया सब जगह पे, साथ में हमारे यहाँ पे टैक्सेस भी बढ़िया है, तो दोनों को मिला के दोस्तों क्या हो गया, जो हमारे खाने पीने के सामान के जो ऑयल होते हैं ना उनकी प्राइसेस दोस्तों एवरेज ही एक साल के अंदर ही 30-40% जो की बढ़ गई, समझ गए। अभी आपको मालूम है पेट्रोल की भी यही हालत है, पेट्रोल को 75 रुपए तक पहुंचने में 75 साल लग गए, लेकिन 75 से 108 पहुंचने में मात्र 5 साल लगे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ऑयल की भी हालत बहुत खराब है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इसका इंडिया में प्रोडक्शन हो, और उसीलिए 11,000 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पे घोषणा करी गई है हमारे देश में प्रोडक्शन करने को लेकर, समझ गए मेरी बात। अगर टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाएगी, तो भी लोगों को थोड़ी राहत है जो कि मिल सकती है, लेकिन वही बात है वो काम करना थोड़ा सा सरकार के लिए मुश्किल है। डैश ने COVID-19 महामारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने का आदेश जारी किया है। कौन से दोस्तों राज्य ने जो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान दोस्तों इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों बोला है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसने दोस्तों ऑर्डर है जो कि अभी रिसेंटली पास करे हैं, ठीक है। दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला डैश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित करी गई है। तो कहां पे दोस्तों, रिसेंटली जो है ना एनिमल के डीएनए की लैबोरेटरी, पहले क्या होता था कि सैंपल दिल्ली के बाहर भेजने पड़ते थे, अभी दिल्ली के अंदर ही दोस्तों एक डीएनए लैबोरेटरी है जो कि बनाई गई है, ओके। और इसको कहां पे बनाया गया है ये आपको बताना है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, रोहिणी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है गाइस। तो इन दिल्ली फर्स्ट एनिमल डीएनए लैबोरेटरी है जो कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में रोहिणी में सेटअप है जो कि करी गई है, ओके गाइस। चलिए, काउ स्लॉटर हो गया, इलीगल ट्रेड हो गया एनिमल का, एनिमल से रिलेटेड कोई भी केसेस है उनको रिजोल्व करने के अंदर ये काफी काम आती है। सरकार ने डैश तक बड़े जल विद्युतीकरण को छोड़कर उच्च ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है जो कि निर्धारित किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बताना है, 175 गीगावाट दोस्तों कब तक जो है हमने अचीव करने के लिए बोला है? आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 तक का दोस्तों हमने टारगेट है जो कि रखा है। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है गाइस। अभी फिलहाल अगर बात करें तो नियर बाय 100 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है, और अभी 175 करने के लिए बोला जा रहा है 2022 तक, और 450 गीगावाट बोला जा रहा है दोस्तों 2030 तक। तो ये एक और ये दो चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या क्योरी को मित्सोटाकिस जो हाल ही में खबरों में किस देश के प्रधानमंत्री है? मित्सोटाकिस के बारे में आपको बताना है, मित्सोटाकिस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये ग्रीस के दोस्तों प्रधानमंत्री है, और ग्रीस के अंदर दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है वाइल्ड फायर ने हालत खराब करी है, प्रधानमंत्री दोस्तों माफी मांग रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है अपॉलोजी करना, मतलब ओके तो गलती हुई है तो उन्होंने अपॉलोजी किया कि जिस तरीके से फेलियर हुआ है ना वाइल्ड फायर को टैकल करने के लिए, इसीलिए दोस्तों उन्होंने सॉरी है जो कि देश से बोली है, ठीक है गाइस। चलिए, एथेंस वहां पे कैपिटल है, यूरो वहां पे करेंसी है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे कितने रेलवे स्टेशनों पर हथकरघा और खादी के अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल स्थापित करेगा?
तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे हैंडलूम है, जो खादी है, उसको कई सारे स्टेशन के ऊपर प्रमोट करें। और कितने 75वां दोस्तों महोत्सव है, तो 75 जगह पे दोस्तों ऐसा किया जा रहा है। विश्व शेर दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे के बारे में आपको बताना है। वर्ल्ड लायन डे के बारे में बात करें गाइस, तो जो है कल जो है वो वर्ल्ड लायन डे था, ओके, 10th of August, तो भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके गाइस, पूरी दुनिया में लायन को एजुकेट कर, लायन के बारे में एजुकेट करने को लेकर दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई। किंग ऑफ द जंगल है जो कि माना जाता है। 29% दोस्तों पॉपुलेशन गिर फॉरेस्ट में जो है 2020 में बढ़ गई है। ओके, ओवरऑल बात करें तो 36% बढ़ गई है और दुनिया में दोस्तों कम हो गई है। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों अगर आपको टॉप एजुकेटर से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप रेफरल कोड BHU10 या भुवनेश्वर लगाइए, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चाहे SSC हो, UPSC हो, बैंक हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको लर्न अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करिए, चाहे UPSC हो, IIT हो, नीट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, 30+ एग्जाम में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने में जाके नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, आज का पहला सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की दोस्तों शुरुआत जो कि कब करी गई थी? इसको दोस्तों 10 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं वापस से 8 बजे वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।